लगाते थे एक तरफा रिपोर्टिंग के या एडिटोरियल लाइन देने के आरोप लगाते थे, क्या हम और उसको चुनौती देकर ही हमने अपना एक ऑल्टरनेट मीडिया डेवलप करने की सोची, तो क्या उन शिकायतों को हम दूर कर रहे हैं या हम भी किसी एक बायस के दायरे में पढ़ते जा रहे हैं। तो बायस का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई जर्नलिज्म की तो बात इम्पार्शियलिटी की होती है, तो और वो रहेगी हमेशा क्योंकि क्रेडिबिलिटी वहीं पर है। क्रेडिबिलिटी तब है जब आप सभी स्टेक होल्डर्स से बात करें और उनको बराबर का मंच दें। वो नहीं हो पा रहा था और वो हो अगर ऑल्टरनेट मीडिया वो कर सके, मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा पूछ होगी और ज़्यादा लंबी इनिंग्स खेल पाएगा, वरना अभी तो हम लोग तलाश ही रहे बिजनेस मॉडल इसका क्या हो और किसी को सुराग पता नहीं लगा। लेकिन बिजनेस मॉडल ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही बिजनेस मॉडल पता लगेगा हम टीवी चैनलों की तरह टीआरपी के रेस में चले जाएंगे और फिर हम हमारा भी एक ऑल्टरनेट मीडिया तैयार हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट प्रभात जी। और इसके बाद पीपल्स मीडिया अवार्ड्स में हम लोग मीडिया पर्सन्स के अलावा लॉयर्स और सोशल एक्टिविस्ट को भी एजाज कर रहे हैं, जो आज के वक्त के बड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे टफ पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और इसी हमारे जो अगले अवार्डी हैं वो इसी तरह की लड़ाइयों को एपिटमाइज करते हैं। मैं स्टेज पे दावा देना चाहूंगा एडवोकेट फुजैल अयूबी साहब को। एडवोकेट फुजैल अयूबी एनआरसी से लेकर बाबरी मस्जिद तक एक वक्त के कई सारे बड़े सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, और हम अपनी तरफ से पीपल्स वॉइस अवार्ड 2019 से आपको नवाजना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसा तारापुरी साहब से। बहुत शुक्रिया तारापुरी साहब और फजल एवी साहब, प्लीज सर फ्यू वर्ड्स। बहुत शुक्रिया पर्पल न्यूज। खुशबू नदीम, इस चैलेंजिंग टाइम्स में जर्नलिस्ट जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट मेजर एक्सपेक्टेशन है हम लोग से है, लॉयर्स से है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को और रूल ऑफ लॉ को वैसे डिफेंड करेंगे जैसे हमें करना चाहिए। जिस तरह से हर जगह एक कहा जाए एक जॉफ है, कमजोरी है, हर इंस्टीट्यूशन उस कमजोरी के उस दौर से गुजर रहा है। और मैं कहता हूँ कि शायद एक वायरल है, एक वायरल इफेक्ट है तमाम इंस्टीट्यूशंस पे और हम लोगों पे जो इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। कल ही की बात है कि चीफ जस्टिस ने जो रेजोल्यूशन पास हुआ कलेजियम से जस्टिस आकिल कुरैशी के कंटेक्स्ट में, वो ये बात थी कि उनके लिए गुजरात हाईकोर्ट के लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि उनके अपॉइंटमेंट के सिलसिले से, कि उनका अपॉइंटमेंट उसके पेंडिंग फॉर वेरी लॉन्ग, और अल्टीमेटली फिर उनको चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बनाया गया। मगर जब रेजोल्यूशन आया कल तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बनाया गया था, लेकिन अब उनको त्रिपुरा के लिए बना दिया गया। एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग, और उसका कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं बताई थी। दिस इज द ट्रीटमेंट दैट द जजेस आर गेटिंग फ्रॉम द जजेस। द पॉइंट इज दिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट द सिटीजन्स आर गेटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मैं ये नहीं कहता कि चिदंबरम साहब की बेल के कंटेक्स्ट में, but he didn't get a hearing. He was a senior advocate to the same court for almost 40 years.
and his bail application was not able to be heard. फिर एनआरसी का जो मामला है, एनआरसी में दो जजेस की बेंच is dealing with a substantial question of law of extreme public importance, but it is a two judges bench, though it was supposed to be a public, since it's a question of constitutional question of public importance, it should normally go to a larger bench. But two judges ki bench is decided somehow, and ultimately it is being concluded anyhow. Wo ek issue hum sab ke samne hai. Jab logo ko chot lagti hai, when you get injuries from any institutions, from any actions, तो आप कोर्ट आते हैं, कुछ चोट ऐसी लगती है जिसके लिए आप अस्पताल जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जब बड़ी चोटें होती हैं तो जब आप कोर्ट आते हैं, और उस वक्त अगर डॉक्टर आपका वैसा इलाज ना करे जैसा कि चाहा जा रहा है और उसमें किसी की जान चली जाए, तो वो बहुत तकलीफ की बात होती है. हर डॉक्टर के लिए तकलीफ की बात होती है, और डॉक्टर से ज़्यादा हम वकीलों के लिए तकलीफ की बात. मगर इन सब तकलीफ़ों के बावजूद, चूँकि हम लोग खुद एक सिपाही हैं, हम लोग कोशिश के कफील हैं, कोशिश के जिम्मेदार हैं, कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ की जाए, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ की जाए, नतीजा जो होगा जो भी नतीजा हो, लेकिन हम इस होप के साथ कि हम पूरी ईमानदारी और हौसले के साथ अपनी बात को रखेंगे. आई थिंक विच इज़ द पर्पज ऑफ जर्नलिज्म, विच इज़ ऑल्सो द पर्पज ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. थैंक यू वेरी मच. हमारे जो अगले अवॉर्डी हैं बहुत ही सीनियर मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने हमें लिविंग एग्जाम्पल दिखाया है कि पब्लिक टेलीविजन कितना अच्छा हो सकता है अगर कोशिश की जाए. तो आई एम टॉकिंग अबाउट सीईओ एंड एडिटर इन चीफ ऑफ स्वराज एक्सप्रेस गुरदीप सप्पल साहब, जो राज्यसभा टीवी के भी फाउंडिंग सीईओ थे. मैं गुरदीप सप्पल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आकर जयशंकर गुप्त जी से अपना अवार्ड लें और हमारे सामने कुछ नया. जिस तरह से अड़चनें आई थी और उस चैनल को बंद भी कर दिया गया था, उसमें सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए अब कि हम साथ हैं और ये अच्छा काम हो रहा है, इसलिए इस अवार्ड के बहाने आ रहे हैं. तो ये अवार्ड आपको है, गरीब को है, क्योंकि जो ये कोशिशें हो रही है आज सोशल मीडिया में, दो लोग के सामने बैठे हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, उसमें जो पलपल न्यूज या और भी बहुत सारे पोर्टल जो शुरू हुए, उन्होंने जो 90 में एक शुरू हुआ था जर्नलिज्म का नया दौर, कि पीपल लाइक अस की बात करें, कि हमारी तरह के लोगों की बात हो, उस दायरे में समाज के नीचे के तबके के लोग, वंचित लोग, उनको जर्नलिज्म के दायरे में लाने का काम किया है. और बहुत सारे वो लोग जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में आवाज नहीं थी, उनको ये प्लेटफॉर्म आवाज दे पा रहे हैं, और इसलिए इस प्लेटफॉर्म की बहुत भूमिका है. क्योंकि बहुत मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हूँ, और हम लोग जानते हैं कि दिन में जो 6-8 घंटे का हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं टीवी के ऊपर, उसमें सबकी आवाज नहीं आ पाती. कोशिश करने एक तो आजकल नहीं आने दी जाती, वो तो सवाल अलग हो गया. जहाँ आने की मंशा होती है कि हमको उनको स्पेस देने चाहिए, उसके लिए भी वक्त नहीं है, रिसोर्स नहीं होते हैं, और फॉर्मेट में जगह नहीं मिलती. तो इसलिए ऑल्टरनेटिव मीडिया का जो अब ये नए प्रयोग होने शुरू हुए, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के उस दायरे को तोड़ा है जिसमें बंद कर मीडिया रह गया था. तो इसलिए आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं,
और काम को देखने वाले लोग भी हैं। जितनी व्यूअरशिप आपके वीडियोस को मिलती है उतनी तो आप यकीन मानिए टीवी चैनल के टीआरपी में व्यूज आ जाए तो लोग समझते हैं कि ये सफल चैनल हो गया। तो सफलता के पैमाने बदल रहे हैं। व्यूज टीआरपी की प्रभात जी ने बात की तो टीआरपी तो अपनी जगह है, वो तो उसमें अपना खेल चलता है, लेकिन यहाँ पे जो व्यूज आ रहे हैं वो जेन्युइन व्यूज है और वो जेन्युइन व्यूज उन लोगों के हैं जो आपकी खबरों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल है कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि लगातार मीडिया का जो हाल है उसमें मैं अब नहीं बोलूंगा, पहले लोग बोल चुके हैं। और मीडिया में ग्लैमर से होते हुए मीडिया के अपने हीरो से बढ़ते हुए कब मीडिया छुप गया और कब वो सरेंडर कर गया ये शायद मालूम भी बहुत लोगों को नहीं पता चला। अचानक से हमने देखा कि 2010, 11, 12 के दौर में जो लोग एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल लोहा ले रहे थे मीडिया में, वो एस्टेब्लिशमेंट बदलते ही कब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े नजर आने लगे और एस्टेब्लिशमेंट के प्रोपेगेंडा आम बन गए। वो एक सबसे दुर्दर्द घटना सिर्फ हमारे देश में नहीं बाकी देशों में भी सिमिलर पैटर्न पे नजर में आ रहा है। तो इसलिए जो अब जरूरत है वो मीडिया में इंडिविजुअल हीरोज इंडिविजुअल स्टार से ज्यादा मीडिया के अंदर उन लोगों के प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत है जो मीडिया को एक्चुअल में वास्तव में लोकतंत्र का चौथा खंभा मानते हैं, जो मानते हैं कि ये डेमोक्रेसी का पिलर है। क्योंकि एक बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चार पिलर हम बोलते हैं, तीन तो हो गए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ब्यूरोक्रेसी, उसके कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता, ये चौथा खंभा ऐसा है जिसके कमर्शियल इंटरेस्ट है। और वो कमर्शियल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़कर जो हालात देश में मीडिया के हो गए हैं उसमें वो पूरा कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म आए हैं और उसने जो आजादी दी है, हालांकि आजादी भी उन्हीं को ज्यादा मिली है जिनके अंदर हिम्मत है और उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। आप लोग सब जितने लोग यहाँ पे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको कितना सुनना पड़ता है रोज के रोज, वो मानसिक संतुलन बनाने की भी एक अलग चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिलने शुरू हुए। तो अगला कदम ये कि उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कम से कम आपस में एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम है। जैसे पलपल न्यूज ने काम शुरू किया तो वो एक विक्टिम स्टोरीज को लेकर आप लोग चले, लेकिन उसके आगे कहां जाना है, क्योंकि एक समय के बाद वो विक्टिम स्टोरीज के बाद रास्ता भी दिखाने की बात करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया के वो जो कुछ प्लेटफॉर्म जो पीछे उभर के आए हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे हेल्प करे, और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, शंभू बैठे हैं बस खुशबू है, मैं पहले भी लोगों से मिल चुका हूँ कि भाई किस तरह से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग जो सीरियस काम करना चाह रहे हैं और जो आप लोग कर रहे हैं उन दोनों के बीच में अंतर संबंध अब कैसे पैदा हो, वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करें, ये अगला एक कदम है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैं गोवा में गया था रिसेंटली तो वहाँ पे जो सफाई कर्मचारियों की एक ग्रुप है वो लोग विलेज जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दे दी, उनके पास कैमरे दे दिए और वो जो खबरें निकाल कर लाते हैं वो मीडिया में नहीं दिखी। तो आज नेक्स्ट कदम पे जरूरत ये है कि ये जो नीचे से मीडिया की आवाज़ आ रही है वो और मेन स्ट्रीम मीडिया आपस में जो जो चाहते हैं, बहुत सारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो चाहता ही नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मानना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे लोग नहीं बचे जो अभी भी मीडिया के क्लासिकल डेफिनेशन पे अड़े रहकर व्यवस्था का अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम करना चाहते हैं, उन लोगों में और सोशल मीडिया में किस तरह से एक रिलेशनशिप बने, अब वो एक नेक्स्ट एजेंडा होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों के अंदर ये प्लेटफॉर्म भी खत्म होंगे। आज ऑलरेडी आप फेसबुक पे अगर 5000 फॉलोअर हैं तो 5000 में से एज पर फेसबुक पॉलिसी आपको 50 लोगों के ही पोस्ट दिखते हैं। फेसबुक की पॉलिसी है कि वो 1% से ऊपर आपको नहीं दिखाता है, बाकी को आपको जाके खोजना पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म शुरू हुआ
ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज जो मोनेटाइज करना चाह रही है, जिसके दम पे आप लोग अभी तक बड़े हैं, वो मोनेटाइज करने के बहाने अब इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रही है। और साथ ही साथ सरकार भी लग गई है, ऑलरेडी लास्ट ईयर 3-4 बयान आ चुके हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है, उसके क्या नॉर्म्स बनेंगे। तो ऐसे में अब जो लोग सही से सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग मिलकर इस बात को उन कंपनीज के साथ करें या प्रेशर को बनाए कि इसकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जा सके। क्योंकि अगर उस दिशा में अगर आज नहीं सोचेंगे तो आप इतनी मानिए मैटर ऑफ 2 या 3 साल है, इसकी इंडिपेंडेंस खत्म होने जा रही है। हम लोग भी जानते हैं, फेसबुक को रोक दिया है और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, रोक नहीं दिया है, जो कि दुनिया में हो रहा है उसमें सोशल मीडिया कंपनी एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो अगली बार जब हम लोग मिले कभी, तो मेरा ये सुझाव है कि हम लोग मिलके इस दिशा में क्या इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि आप लोगों का इन्फ्लुएंस है अब देखिए, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं, उनको जो बात आज हम कर रहे हैं उसके बियॉन्ड इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्टरनेटिव मीडिया की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है, वो करने के लिए भी बातचीत शुरू होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ आज आप लोगों के काम की तारीफ में, और मैं ही नहीं, मैं मानता हूँ जितने भी लोग जो पुराने हो गए थोड़े बहुत और काफ़ी समय गुजार लिया, हम सब इसीलिए यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए कि ये काम जारी रहे, ये काम अच्छा है और हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी जो अगली अवार्डी है वो एक एकेडमिक है, संस्कृत की स्कॉलर है और सोशल जस्टिस इश्यूज पे एक प्रोमिनेंट आवाज है। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर कौशल पवार और असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जनाब एसआर तारापुरी साहब से कि आप डॉक्टर कौशल को। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और सबको मेरा जय हो। अपनी बात शुरू करने से पहले एक 2-3 चीज शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि अभी पिछले दिनों मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाने का अवसर मिला और इन 4-5 सालों में जब से नई सरकार सत्ता में आई है, कनाडा, जापान, लंदन और यूएसए, 4-5 जगह, वहां पर लोगों की जो सोच है वर्तमान सरकार को लेकर वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने जरा सी आलोचना करना भी उचित समझा। प्राइवेटाइजेशन उनके फिट बैठता है और एफडीआई तो पहले ही हमारी सरकार ने उससे पहले की सरकार शुरू कर चुकी थी। तमाम जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई सबने ये कहा बहुत अच्छा कर रहा है। ये मैं आपको बताना इसलिए चाहती हूँ कि आज जिस तरीके का मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, जो मुद्दों को छोड़कर जो पूरे वैश्विक स्तर पे जो चर्चा में है वो पॉजिटिवनेस दिखाई देती है। और मुझे कहने में ये गुरेज नहीं कि जो बाहर जो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के मीडिया को ज़्यादा देखते हैं और उससे एक ऐसी इमेज वर्तमान सरकार की बन चुकी है जिससे उनको ये लगता है कि भारत में सब कुछ ठीक है, सबका विकास, सबका साथ। एक छोटा सा उदाहरण अभी मैं 2 दिन पहले का बताती हूँ। आपको याद होगा अभिषेक शर्मा जी जब बोल रहे थे उन्होंने भी जिक्र किया दलित मुद्दों का, मैं भी एकदम करंट का ही 2-3 मिनट में बात करने की कोशिश करूंगी। तमिलनाडु में स्कूल में बच्चों को पैंट पहनाए ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से किया जा सके। नंबर 2, कर्नाटका में बीजेपी के ही एमएलए को मंदिर में घुसने नहीं दिया। नंबर 3, जिसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो ये
कि अभी इंडिया हेड पे ट्यूसडे को मुझे पैनल में बोलने का अवसर मिला। वहां पर जो मेरे साथी थे बीजेपी के, वो ये कोशिश में थे कि वो ये बता पाए पूरी पब्लिक को कि देश में सबका साथ है और सबका विकास है। मैंने उनसे एकदम तुरंत बाद ये जवाब दिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दलितों का विनाश। यही वजह है कि आप नेगेटिव चीज को भी, जो एक माइंडसेट जो डेवलप होता जा रहा है, जिसका उदाहरण है हमारे सामने, हम जानते हैं राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया था, हम जानते हैं कि अभी बीजेपी के खुद के एमएलए के साथ ये व्यवहार है, हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो सीधा कहते हैं कि ब्राह्मण ही सारी चीजों का जनक है, तो सारी की सारी जमात को, सारे के सारे भारत की जनता को वो डिग्रेड करते हैं। जब आप जाति का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, बात वहीं से शुरू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों ने मेरे को देख के संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये पता नहीं था कि मुझे संस्कृत भी आती है। और मैं ये बता दूं कि मैं संस्कृत डॉक्टरेट जेएनयू से मिली, जहाँ का अभी आपने जिक्र किया, मेरे ही विश्वविद्यालय के हैं नजीब जी, जिनका आपको कोई अता पता नहीं। ऐसे कितने नजीब हैं जिनको गायब कर दिया, क्या रोहित मोमुला के जाने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, ऐसा कोई एक्ट बना पाए हम लोग जिसका एक लार्ज स्केल पे प्रभाव पड़ता। हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज को डैमेज किया जा रहा है, एक तरफ से लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ दे दिया जा रहा है। अभी करंट में LIC को जितना पैसा था उसका लेके और कॉर्पोरेट को दे दिया गया। आम आदमी जो अपने बच्चों का तेल, बच्चों के रोजी रोटी से खर्चा निकाल के LIC तक लेके जाता है, उनका क्या हाल होगा। इसका मतलब मैं कहना बस इतना ही चाहती थी कि एक इमेज ऐसी डेवलप की गई है जो पूरे माइंडसेट को आधार में लेकर चलती है। लेकिन उनसे जब भी आप चर्चा करेंगे, वो चर्चा इतनी भयानक तरीके की होगी कि आप आवाज भी अगर उठाएंगे तो राष्ट्र विरोधी उस जमात में शामिल होंगे राष्ट्र विरोधी। मेरा बिल्कुल उनसे कोई किसी तरह का भाईचारा नहीं है, हम भी उतने ही विरोध करते हैं जितने दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आप अपनी जवानी बंद कर दें। मैंने जैसे ही स्मृति ईरानी का उदाहरण लिया कि स्मृति ईरानी का अभी दो दिन पहले बयान आया, उन्होंने कहा है कि हिंदू और दलितों की हालत कश्मीर में बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने ये 370 का मुद्दा लेके आए। मैंने सिर्फ इतनी सी कोट की बात, मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आप खुद स्वीकार करते हैं कि हिंदू दलित नहीं। अगर आप हिंदुओं को सारे दलितों को एक जैसा मानते तो जब रविदास मंदिर तोड़ा गया, कितने दलितों ने, कितने गैर दलितों ने आकर उसका समर्थन किया, तब आपका हिंदुवाद कहाँ जाता है। और अभी रिसेंट चिल्लाकर चैनल पर ये बोला जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का। मजेदार बात ये है, अभी हमारे जो अवार्डेड थे वकील साहब, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि मजेदार बात ये है कि जितने भी अमेंडमेंट आ रहा है, जितना भी एक्ट आ रहा है, जितनी भी भयानक तरीके की पॉलिसी है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, चाहे वह रिजर्वेशन का मामला हो, यूनिवर्सिटीज में रोस्टर के माध्यम से, कान यहाँ से पकड़ने के बजाय नीचे से पकड़ा, क्योंकि सब जानते हैं रिजर्वेशन का अगर हम विरोध करेंगे सरकार के मतलब, आम आदमी को बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि रिजर्वेशन को खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन रिजर्वेशन शब्द न यूज करके आप रोस्टर का मुद्दा उठाने, जो पढ़े लिखे आदमी को भी सोचने में, थोड़ा ठहर के सोचने में पता लगता है कि रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। दूसरी चीज SC ST एट्रोसिटी एक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। तीसरी चीज अभी रविदास टंडन का डिमोनेशन, अभी कोर्ट ने साफ साफ ये माना कि जब उनके कोर्ट में जब हम लोग पहुंचे, हमारे सीनियर दारा जी हैं, आपको पता होगा सर, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा, हमने ये तो कहा ही नहीं कि मंदिर को खत्म कर दिया जाए, हमने तो ये कहा था कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको हटाया, वहां मंदिर का मुद्दा ही नहीं आता। दूसरी चीज 1991 का एक्ट है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं आप उनको डिमोलिश कर ही नहीं सकते, तो सरकार सोची समझी साजिश के तहत जो एक आवाज बनने नहीं देना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, चाहे महिलाओं की आवाज हो, चाहे दलितों की आवाज हो, चाहे अल्पसंख्यक की आवाज हो, चाहे हमारे जितना भी हमारा भाईचारा है समाज में, जितने भी हमारे समुदाय समूह है, उनको बांट के रखा जाए, उनकी आवाज को एक नाम होने दिया जाए। और वो इनको अंदेशा है सोशल मीडिया, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रॉन्ग है कि विदेशों में अगर मेन स्ट्रीम के चैनल आप रिपोर्ट करते हैं कि देश में बहुत विकास हो रहा है, देखिए कितने लोग पहले भूखे नंगे चलते थे, आजकल साइकिल पे चलते हैं, पहले पंखे नहीं होते थे, देखो BPL में अब पंखे वाले भी शामिल हैं। तो ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है सोच समझ के,
उसको सोशल मीडिया ही तोड़ेगा। और ये अंदेशा है जो सर ने बताई थी, अभी एक्सप्रेस न्यूज वाले थे जो उन्होंने बताया, स्वराज एक्सप्रेस वाले, कि अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ी गाज आने वाली है, हम लोगों का भी नंबर आने वाला है। हम लोग जो यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ा रहे हैं, अपने आप को ये समझते थे कि हम 30 मार्क का है, हम कुछ भी बोल कुछ भी सुन सकते हैं। खैर, मैं सबकी बात को कोट करते हुए ये कहूँगी कि डरपोक वो लोग हैं जो हमारी छानबीन करते हैं, लेकिन वो डरपोक इसलिए भी है, आप जाति के सवाल पर बात करते हैं लेकिन मोहन भागवत जी अपनी जाति ही बताते हैं कि वो आए कहाँ थे, उनके पूर्वज हैं कहाँ पे। आप बातें करनी है तो करिए ना, हम भी तैयार हैं। आप आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, हम भी तैयार हैं, टेबल पे तो आइए। या आप सिर्फ धमकाने की नीति पर विश्वास करते हैं? मैं सिर्फ लास्ट लाइन में कविता के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। माफ करूँगी, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हूँ, असल में पेशे से टीचर हूँ तो 2 मिनट में बात कर भी नहीं चाहती। हम चीखेंगे, हम चीखेंगे जब जब शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा बंद हो, हम चीखेंगे जब तक शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा बंद होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाए, हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाए, हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाएगा, हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा, हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा, हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा, हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा, जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा, हम चीखेंगे, हम चीखेंगे जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा, हम चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, हम चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा, हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे जब तक हमारी आवाज में दम होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारी आवाज में दम होगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी। और हमारे अगले अवॉर्डी बीबीसी के एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और कई सारे यंग एक्टिविस्ट का मॉरल सपोर्ट भी है। मैं दावत देना चाहूंगा इकबाल अहमद साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी हिंदी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पलपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का और जूरी मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जयशंकर गुप्त जी और ऐसा दादापुरी जी, हमारे फेलो एवॉर्डीज और आप हजारों खावती। जब मुझे पलपल न्यूज की तरफ से फोन आया और कहा गया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते थे, पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 2019 के भारत में बीबीसी के जर्नलिस्ट को अवार्ड देना चाहता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैंने अपने एडिटर से पूछा कि साहब मुझे एक ऑफर मिली है, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे एडिटर का सिर्फ 2 सवाल था कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, छोटी है बड़ी है, मुझे उसे फतेह मतलब नहीं, सिर्फ ये देखने के उसके पैसे कहाँ से आते हैं, कोई माफिया डॉन, कोई पॉलिटिशियन उसको तो नहीं बैकअप कर रहा पीछे से। जब मैंने कह दिया कि नहीं, इन 2 मामलों में बिल्कुल तय मामला